नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है फूड टाइम, और जहां तड़का लगता है स्वाद के साथ साथ शेफ के प्यार का और उनके कुछ मसालों का। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि हर बार हम आपको कुछ अलग तरह की स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक रेसिपीज भी लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पर इस समय आज हमारे साथ एक नए शेफ़ हैं जिन्हें हम आपसे मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने शेफ़ का, शेफ़ जोत का। वेलकम शेफ जोत, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है फूड टाइम। थैंक यू सो मच मैम। तो शेफ, हम शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप आज हमारे दर्शकों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि शेफ जोत अब बताने वाले हैं कि वो हमें क्या सिखाएंगे और उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स वो यूज़ करेंगे। जी, आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक है। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, समर्स आ रही हैं जी, सो समर में हम ऐसी चीज़ें रिलिश करते हैं जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ठंडक दे। बिल्कुल। सो आज हम बनाएंगे एप्पल एंड फेनल सूप, यानी कि सेब और सौंफ का सूप। इस सूप की ये खासियत है कि इसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पिया जा सकता है। एप्पल को हम वैसे ही रिलिश करते हैं गर्मियों में, सो एप्पल को हम आज एक डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करके उसको सूप के फॉर्म में तैयार करके अपने दर्शकों के सामने परोसते हैं। शेफ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत नया होगा कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो आप अब इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं कि हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने लिया रेड एप्पल जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद लेंगे सौंफ, एक तरफ सौंफ के बीज और दूसरी तरफ सौंफ का पाउडर, बारीक कटा हुआ गार्लिक, लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा प्याज, सेलरी की डंडियां, चॉप किया हुआ शलगम, पार्सले, हरे धनिए की पत्तियां, चीनी, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल जूस, नमक और काली मिर्च। इस सूप के साथ सर्व करेंगे हम एक ब्रेड जिसके ऊपर लगाएंगे बीटरूट पेस्तो। तो पेस्तो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पेस्तो एक इटालियन सॉस है और हम उसका हिंदुस्तानी वर्जन बना रहे हैं। पेस्तो बनती है बेजिल से, यानी कि तुलसी से। हम बेजिल की जगह यूज़ कर रहे हैं चुकंदर, बीटरूट। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है चुकंदर पेस्तो। पिसी हुई चुकंदर, फ्रेश क्रीम, पार्मेसन चीज़, चिलगोजे, पाइन नट्स, ऑलिव ऑयल, गार्लिक और हर्ब बटर, जिसमें हमने गार्लिक, धनिया और कुछ इटालियन हर्ब्स को मिक्स कर लिया। तो ये तो थे इंग्रेडिएंट्स। हमें उम्मीद है कि आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। तो शेफ, शुरू करते हैं बनाना। बिल्कुल जी। जी, सबसे पहले मैम इसमें ऑयल डालेंगे, 3 to 4 टीस्पून्स ऑयल। के बाद डालेंगे गार्लिक जी, 1 teaspoon गार्लिक, थैंक यू। अब शेफ, उसके बाद डालेंगे अनियंस, दिस वन और ग्रीन, नॉर्मल अनियंस, रेड अनियंस, 2 teaspoon। इसके बाद डालेंगे हरा प्याज, थैंक यू। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये अपना फ्लेवर ऑयल में दे दे। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तब तक मैं सैलरी को चॉप कर दूं। बिल्कुल शेफ, धन्यवाद। तो सैलरी को हमें फाइन चॉप करना है। तो सैलरी भी तैयार है डालने के लिए जी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है सैलरी का, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस समय। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए सेब। इसमें हमने 300 ग्राम सेब लिए हैं। आप अपने पोर्शन के हिसाब से सेब की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसके साथ डालेंगे 2 टीस्पून शलगम, 1/2 teaspoon सॉल्ट, लौंग। धन्यवाद। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन और कैरमलाइज ना हो जाए, क्योंकि जब ये कैरमलाइज हो जाएगा तो ये अपने फ्लेवर्स जूसेस छोड़ देगा, जिससे हमारे खाने को टेस्ट और स्वाद मिलता है। जैसे जैसे ये कुक हो रहा है ये अपनी खुशबू छोड़ रहा है, बिल्कुल, जो आप महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल सारे वातावरण में इसका प्रभाव है इस समय। जी बिल्कुल। इसके बाद डालेंगे एप्पल जूस। धन्यवाद। एप्पल जूस की क्वांटिटी कितनी रहेगी शेफ? एप्पल जूस हमने लिया है इसमें 300 ml। आप अपने पोर्शन के हिसाब से कितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपनी मात्रा सेट कर सकते हैं। एक पोर्शन के लिए हमने लिया है 250 से 300 ml एप्पल जूस। थैंक यू। अब हम डालेंगे सौंफ और सौंफ पाउडर। दोनों। धन्यवाद। एक चम्मच सौंफ, क्योंकि सौंफ की खुशबू और फ्लेवर, हाँ, और अगर देखा जाए तो ये फायदेमंद भी बहुत है हमारे सूप का। वही जो हम बना ही रहे हैं कि गर्मियों में जो ठंडे का इफेक्ट देगा वो शायद सौंफ से ही आएगा। जी बिल्कुल। हल्का सा 1/2 teaspoon सौंफ पाउडर। थैंक यू। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसकी प्यूरी करेंगे, इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे जी, और फिर इसको फिनिश करेंगे सूप के रूप में। अब अपनी प्यूरी को धीमी आंच में हल्का सा पकाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे एप्पल जूस के साथ, ताकि ये सूप की कंसिस्टेंसी में आ जाए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। तो इतने शेफ हम ब्रेड की तैयारी कर लें या फिर इसमें कुछ ऐड करेंगे? इसमें जस्ट एप्पल जूस ऐड करना है और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च। थैंक यू। असली नमक का मजा तो हाथ से ही है। थोड़ी काली मिर्च। धन्यवाद। थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन या नॉर्मल विनेगर भी यूज कर सकते हैं खटास के लिए। बहुत कम क्वांटिटी में ही रहे। बहुत कम। अब इसको हिलाएंगे 5 से 10 मिनट ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। इसके साथ सर्व करेंगे हम बीटरूट पेस्टो ब्रेड, जिसकी हम तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रेंच लोफ लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। फ्रेंच लोफ को काटेंगे ब्रेड नाइफ के साथ। उसके बाद बनाएंगे हम बीटरूट पेस्टो, यानी कि चुकंदर की पेस्टो, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ठंडी सॉस है, जिसको आप गर्मियों में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इसमें डालेंगे ग्राइंड की हुई बीटरूट। बीटरूट को हमने हल्का सा ब्लांच करके ग्राइंड कर लिया है।
थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, इसके बाद शेफ उसके बाद डालेंगे हम ये चीज, आपकी सॉस को टेस्ट देगा। इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा गार्लिक, इसके बाद डालेंगे थोड़े से पाइन नट्स, 5 to 6 इन नंबर। आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड सम ऑलिव ऑयल। इसको मिक्स करेंगे और आपकी बीटरूट पेस्टो तैयार। शेफ इसके बाद अब हम क्या करेंगे? मैम इसके बाद हल्का सा अपनी ब्रेड को टोस्ट करेंगे जो हमने हर्ब बटर बना रखा है। बटर लगाने से आपकी ब्रेड को थोड़ी मॉइस्टनेस, थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है और थोड़ा फ्लेवर भी आ जाता है। जब तक हमारी ब्रेड कुक होती है हमारा सूप भी बनके तैयार है। अब सूप को फिनिश करते हैं धनिए की हरी पत्तियों और सौंफ के साथ। ये हमारी ब्रेड ग्रिल हो गई है। अब इसके ऊपर लगाते हैं हम अपना बीटरूट पेस्टो। तो शेफ लगता है अब हमारी दोनों चीजें तैयार हैं, तो हमें आई थिंक प्लेटिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, प्लेटिंग करनी चाहिए। प्लेटिंग के लिए हम लेते हैं थोड़ी सी गहरी प्लेट, जिसको हम पास्ता प्लेट भी बोलते हैं या हैट प्लेट भी बोलते हैं। एक ब्रश लेते हैं और उसके साथ हल्की सी प्लेट की रिम को गार्निश करेंगे ताकि थोड़ा कलर इफेक्ट आ जाए। उसके बाद सूप को डालेंगे हम एक कैटल में। अगर आपके पास कैटल नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पोर कर सकते हैं। वैसे शेफ आपने कैटल इसके लिए क्यों इस्तेमाल की है? जी कैटल से थोड़ी अच्छी ग्रेस और थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। और गार्निश करेंगे इसको कटे हुए एप्पल के साथ, और साथ में सर्व करेंगे बीटरूट पेस्टो वाली ब्रेड। वाह, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसमें चुकंदर का कलर है और जो स्पेशल इन्होंने सॉस बनाई थी उसका है, और साथ ही सूप है। जितना ही ये देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। तो शेफ मैं इसे टेस्ट कर लूँ? जी बिल्कुल। तो जो शेफ ने डिश बनाई है इसे अब मैं टेस्ट करूँगी। अमेजिंग, बहुत ही अलग तरह का है, ऐसा मैंने कभी पहले खाया नहीं। अमेजिंग शेफ, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सो मच। खट्टा मीठा इसमें मिक्सचर है, एप्पल भी है, सौंफ का, हर तरह का इसमें फ्लेवर जो है वो निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो शेफ ने स्टार्टिंग में बताई थी कि इसका फ़ायदा ये है कि गर्मियों में आपको जो है बॉडी को ठंडा रखेगा और सर्दियों में ये गर्म रखता है।
तो शेफ, आप आज यहाँ पर आए और आपने एक इतनी अच्छी चीज़ हमें बनाकर सिखाई, हमारे दर्शकों को बताई, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये डिश पसंद आई होगी, आप इसे घर में ट्राई करेंगे और अपनी फीडबैक देना आप प्लीज़ ना भूलें। तो शेफ, आज के लिए शुक्रिया। नमस्कार।